इधर देश कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है, उधर सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने उत्तराखंड में धारचूला लिपुलेख के बीच सड़क तैयार कर दी। BRO ने 80 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनाकर धारचूला को लिपुलेख से जोड़ दिया है। ये सड़क 6000 से 17,060 फीट की ऊंचाई पर है। पिथौरागढ़ तवाघाट घटी अबागढ़ मार्ग का विस्तार कर इस नई सड़क को तैयार किया गया है। इस रास्ते के बन जाने के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए रास्ता पहले के मुकाबले बेहद ही आसान और सुगम हो जाएगा। इस यात्रा में अब पहले के मुकाबले 6 दिन कम लगेंगे, वक्त बचेगा, साथ ही साथ कठिन रास्तों पर सफर भी नहीं करना पड़ेगा। तवाघाट से लिपुलेख के बीच की 90 किलोमीटर तक की चढ़ाई अब इसी सड़क के जरिए होगी। इसके बन जाने से सीमावर्ती गांव की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो गई है। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर के लिए इस लिंक रोड का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी मौजूद थे। इस सड़क का निर्माण भारत और नेपाल के बीच काली नदी के तट के किनारे किनारे किया गया है। घटिया बगड़ से लिपुलेख तक की 80 किलोमीटर की सड़क पर भी BRO काम कर रहा है। इसमें लिपुलेख दर्रे से 5 किलोमीटर पहले तक की सड़क बनकर तैयार हो गई है। अधिक ऊंचाई, भारी बर्फबारी और साल में केवल 5 महीने ही काम करने लायक होने की वजह से इस सड़क का निर्माण बेहद ही चुनौतीपूर्ण था। यात्रियों के साथ साथ ये मार्ग अब सुरक्षा बलों के लिए भी बेहद उपयोगी होगा। पिथौरागढ़ से चीन और नेपाल का बॉर्डर लगता है, जहां आर्मी के साथ साथ ITBP और SSB भी तैनात है। मोदी सरकार की यही खूबी है, अब काम तेज रफ्तार से भी होते हैं और समय का पूरा सदुपयोग भी होता है। यही है PM मोदी का संकल्प से सिद्धि का मंत्र।